शैलेशा नंद जी आपसे और फिर विक्रमादित्य जी आपसे। जी सबसे पहले नमस्कार टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों और टीवी 9 भारतवर्ष को कि जो ये विषय आज लाया गया है कि राधा रानी के विषय में शायद समाज की भ्रांति में बहुत अलग है और संतों के मध्य में इसका अलग है क्योंकि तत्व और तर्क की विवेचना के माध्यम से राधा जी को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं इतना ही कहेंगे कि शिव पुराण के अंतर्गत जो रुद्र संहिता में उल्लेख आया है पार्वती खंड में दूसरे अध्याय में कि कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी गुप्त स्नेह निबंधाशक कृष्ण पत्नी भविष्यति, यानी कि भविष्य में कृष्ण पत्नी के रूप में राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ये ब्रह्म आह्लादनी शक्ति है, राधा जी को समाज के द्वारा या किसी पुस्तक के द्वारा किसी साहित्य या इतिहास के द्वारा समझने की चेष्टा ना करना ही हमारे हिसाब से ठीक है क्योंकि वह एक परम तत्व है जिसे हम ब्रह्म तत्व भी कहते हैं। तो ब्रह्म तत्व को किसी व्यक्ति या किसी स्वरूप या किसी वस्तु या नाम के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता क्योंकि पितरों की तीन कन्याओं का उल्लेख है, मेनका, सुनैना और कलावती जिसे कीर्ति या कीर्तिजा के रूप में भी कहा गया है। तो जिसके कहते हैं मेनका के पार्वती माता का उत्पन्न हुआ पुत्री के रूप में, धन्या सुनैना की सीता माता का प्रादुर्भाव हुआ, कीर्तिजा यानी कीर्ति इनका राधा रानी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ है और वह भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के रूप में यानी कि जो ब्रह्म की सत्ता है वही स्वयं साक्षात कृष्ण भगवान के सहयोग के लिए इस धरा पर आई हैं। तो इस विस्तार इस विषय को चाहे प्रदीप मिश्रा हो या प्रेमानंद महाराज जी हो, उन्हें पहली बात तो इस प्रकार के विवाद को करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत की शक्तियां, आध्यात्मिक जगत की जो सत्ता है, यहाँ अखाड़ा परिषद है, विद्युत परिषद है, उनके मध्य में जाकर के इसकी विवेचना और चर्चा करनी चाहिए, विद्वानों के द्वारा तर्क संगत शास्त्र सम्मत विवेचना। विक्रमादित्य जी आपका। देखिए आज एक ऐसा विषय यहाँ उपस्थित है कि जिसके ऊपर सबसे पहले सामने आप चला रहे हैं सच या कल्पना। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति सत्य है, कल्पना हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो इसको हमको ठीक करना चाहिए, यहाँ कल्पना की बात ही नहीं की जा सकती। हमारे शास्त्रों में जो कुछ वर्णित है वो सत्य है और उस सत्य को वर्णित करने के लिए लोगों ने अनेक अनेक मत, अनेक अनेक संप्रदायों के साथ मिलकर उनके ऊपर अपने अपने दर्शन को, अब समझे हम कि शास्त्र में आज करीब करीब राधा जी की जब भक्ति आरंभ हुई, अनादिकाल से भक्ति होती है, लेकिन सूरदास जी जो जन्म से अंधे थे उन्होंने जिस प्रकार से दर्शन कर अपने अंतर्दृष्टि से राधा जी का जो सुंदर वर्णन भक्ति काल में किया है उसकी पराकाष्ठा शायद इसी संस्कृति में उसकी बात ही नहीं की जा सकती। यानी कितना सुंदर तरीके से वहां बात की, लेकिन आज का विषय जो पूरे भारत में चर्चा का विषय बना जिसको आपने उठाया है वो बड़ा विचित्र है। यानी एक कथावाचक अपनी विवेचना करते हुए एक बात बोल देते हैं और दूसरे एक संप्रदाय के व्यक्ति उसके ऊपर अपनी तुलना उपस्थित कर देते हैं। मैं कहता हूँ ये विवाद होना ही नहीं चाहिए। राधा का जो भगवती का जो स्वरूप है वो शास्त्र के अंदर वास्तविक तो वो कहा गया है शास्त्र में, कृष्ण वही राधा, राधा वही कृष्ण, कि एक ही है, दोनों में फर्क है ही नहीं। जब तक द्वैत अद्वैत के बीच में जो विवाद चलता था वहां दोनों को सम्मिश्रित करके एक ईश्वर एक है यहां बात करने की बात की जाए, ये एक बहुत आध्यात्मिक विषय है। यहां पर टीवी डिबेट के द्वारा इस चीज को नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि हमें यह समझना पड़ेगा या छोटे तरीके से कि राधा शब्द की, देखो हमारे शास्त्र में कहा गया है एक बहुत सुंदर बात की गई विवेचना करते हुए, निराकारापि साकारा सर्वतत्व स्वरूपिणी अपतर्क गुणा, ईश्वर की व्याख्या करते हुए कहा गया कि निराकार साकार से ऊपर है, दोनों रूप में समझा सकता है, लेकिन तर्क से उसको नहीं समझा, कुतर्क से तो बिल्कुल नहीं समझा सकता। जो यहां बात की जा रही है दोनों स्वामियों के द्वारा, मैं कहूंगा ऐसा विषय है कि जिनको बोलना ही नहीं चाहिए था, उनको कथावाचक रहते हुए अपने विषय को कौन सी कथा कहां सुनानी है, यह बहुत एक विचारणीय विषय। शास्त्र में इतनी ज्यादा कथाएं हैं, गुरु अपने शिष्यों को देखते हुए उनके समक्ष वो बात रखने बात रखनी चाहिए, यहां नहीं कि कुछ भी। शास्त्र में मर्यादित बातों को समझाने के लिए मुझे बताइए कि एक डिलीट का छात्र है उसके सामने समक्ष जाकर, या एक छोटा फर्स्ट क्लास का बच्चा है उसको आप 12th क्लास की बात पढ़ानी शुरू कर दोगे तो उसके दिमाग में आएगा ही नहीं। यहां यही हो रहा है आज की तारीख में, राधा शब्द की व्याख्या करते करते वहां विवाह की व्याख्या की जा रही है। अरे विवाह परमात्मा का विवाह करोगे, वो एकत्व है वहां आत्मा परमात्मा का, वो संबंध जो है उसकी व्याख्या की बात की जा रही है। इस बात को बहुत जरूरी है
कि यहाँ हम मानवीयकरण कर रहे हैं, हमारी शास्त्रों की कथाओं का आदि देविक आदि भौतिक अनादि रूप में भी उनकी व्याख्या की जाती है, हम शाब्दिक रूप में शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर उनकी कथा की विवेचना करने के प्रयास करेंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप सब लोग संस्कृत के बहुत अच्छे, एक सूक्ति आती है यहां संस्कृत को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, महाभारत के अंदर जब हम छात्र पढ़ते थे तो वहां पर एक सूक्ति आती थी और कहा जाता था, गुरुदेव सुनाते हुए कहते थे, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षित उपागता रुदन्ति कौरवा सर्वे हाहा केशवा केशवा। अब आप शब्द के माध्यम से जाइए, क्या सब सुन लीजिए, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षित उपागता, कि केशव को गिरा हुआ देखकर द्रोण जो है हर्षित हो गए और रुदन्ति कौरवा सर्वे, कि जो कौरव थे यानी कौरव थे वो रोने लगे, रुंती कौरवा सर्वे हाहा केशवा केशवा। अब संस्कृत अगर कोई जो ज्ञानी है वो कहेगा ये तो क्या, ये तो धर्म का अधर्म हो गया, लेकिन वहां वास्तविक तौर पर समझना पड़ेगा, केशव का मतलब होता है पानी में बहता हुआ शव, केशवम पतितम केशव पानी में बहते हुए शव को देखकर, एक सेकंड दीजिए सर, आपका आधा सेकंड एक सेकंड बहुत बढ़ता जा रहा है, यही हो रही है, इसको पूरा नहीं करूंगा तो खत्म हो जाएगा, आप नया शुरू कर देते हैं, मैं इसके बाद समझ, जब तक ये विज्ञान ही ऐसा है, जब तक आप समझोगे नहीं इसको नहीं करेगा। तो मैंने कहा केशवम पतितम दृष्टा, जो बात केशव पानी में बहते हुए शव को देखकर द्रोण, द्रोण यानी कौवे जो होते, कौवे हर्षित हो गए, द्रोण हर्षित उपागता रुदन्ति कौरवा सर्वे, भेड़िए जो बाहर पानी के बाहर खड़े थे कि हमको शव खाने को नहीं मिला, यहां ये इंटरप्रिटेशन नहीं की जा रही है, आज शाब्दिक माध्यम से लोग एक और इंटरप्रिटेशन में जानना चाहूंगा, लेकिन धर्म ग्रंथ गुरु के सानिध्य में बैठकर विवेचना विक्रमादित्य जी।